लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे अपनी अपनी जातियों को गोलबंद करने में बिहार के धुरंधर जुटे हुए हैं। इस क्रम में जदयू MLC संजय सिंह महाराणा फाउंडेशन द्वारा आयोजित धन्यवाद और संवाद समारोह में शिरकत करने आज बाबू कुंवर सिंह की धरती पर आरा पहुंचे, जहां के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से जगह जगह उनका स्वागत किया और अपने जोरदार स्वागत से अभिभूत होकर MLC संजय सिंह ने अपने समाज के प्रति उदार चरित्र के लिए जहां CM नीतीश कुमार का धन्यवाद दिया, तो वहीं सभी को धन्यवाद प्रेषित किया। आपको बताते चलें कि बिहार के CM नीतीश कुमार के द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा पटना के हार्ट ऑफ द सिटी में लगाने पर संजय सिंह धन्यवाद यात्रा पर है और पूरे बिहार में घूम घूम कर समाज को एकजुट करने का काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार को भी धन्यवाद दे रहे हैं। इस यात्रा में उनके साथ गाड़ियों का लंबा काफिला पटना से आरा के लिए निकला है, तो वहीं जगह जगह बैंड बाजों के साथ उनका स्वागत हो रहा है। आरा के नागरी प्रचारणी सभागार आयोजित धन्यवाद सह संवाद समारोह में MLC संजय सिंह का चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत हुआ। सर, आज महाराणा प्रताप के समाज को एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन आप ही की सरकार, आप ही की पार्टी के द्वारा जो संगठन का आंकड़ा पेश किया गया, देखिए उसके हम जनगणना जो जातीय जनगणना पर मैं यहाँ नहीं आया हूँ, मैं महाराणा प्रताप के विचारों को रखने आया हूँ, उसका सवाल कीजिए आप। लेकिन आपके समाज के लोग क्या बोल रहे, हम बात करेंगे ना उस पर, आप इस पर सवाल कीजिए, हम जिस मिशन को लेकर चल रहे उस पर आप सवाल कीजिए। अच्छा, आपने मंच से ये बोला है कि हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग हैं ब्रांड एम्बेसडर, कौन है ब्रांड एम्बेसडर? हम बोल रहे हैं, आप लोग समझिए, यही ना लोग आए थे, मीडिया वाला वो गाली दे के चले गए थे। हम तो मीडिया वाला गाली नहीं देते, मीडिया तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, हम लोग तो शुरू से प्रवक्ता रहे, मीडिया वाला तो मेरा पारिवारिक संबंध होता है, आपको पता कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, मेरा मीडिया पटना से लेकर दिल्ली तक मेरा पारिवारिक संबंध है। देखिये महाराणा प्रताप, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मूर्ति लगाया, बहुत लोग हमारे समाज के लोग मुख्यमंत्री बने, लेकिन किसी ने महाराणा प्रताप पर तो शुद्ध मिलने का काम नहीं किया। हमारा नेता को जो हमने मांग रखा तो महाराणा प्रताप का मूर्ति लगा, राजकीय समारोह भी घोषित हुआ, तो मैं उसके महाराणा प्रताप के लक्ष्य जो हमारा है फाउंडेशन के द्वारा के लड़कियों को शादी कराना फ्री ऑफ कॉस्ट, लड़का लड़की को पढ़ाना, लड़का लड़की को पढ़ाना, कहीं कुछ घटना घट गया, हमारे आ रहे हैं भोजपुर में ही किसी ने कहा कि घटना घट गया है 10 लाख रुपया देना है, उस गरीब परिवार को दे देंगे, वो 10 लाख रुपया से वो बिजनेस कर लेगा, व्यापार कर लेगा, जिंदा हो जाए, उसका पालन पोषण होगा। और चौथा जो तीसरे में ही बीमारी है, जो बहुत भयंकर बीमारी में ग्रसित है, उसको भी अनुदान देने का हम लोग काम करेंगे। चौथा, पूरे बिहार में महाराणा प्रताप भवन बनाएंगे, पहला शुरुआत बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती से करेंगे। हम लोग के अभिभावक और डॉक्टर जितेंद्र और परमेश्वर बाबू ने कह दिया है कि जमीन भी हो गया, पहला नींव रखाएगा कि बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती से महाराणा प्रताप भवन बनेगा। सर, एक सवाल, अभी हाल फिलहाल में बिहार के BJP के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने लालू यादव को राजनीति का कैंसर कहा, लालू यादव को बिहार की राजनीति का कैंसर कहा। देखिए, लालू जी वरिष्ठ नेता है और सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सम्राट चौधरी को जी को उनके उम्र का भी ख्याल रखना चाहिए, लालू जी गरीब गुरुओं का नेता, ऐसे भाषा से बचना चाहिए। हम लोग राजनीति करते हैं, कोई लठैती नहीं करते हैं, भाषा का उपयोग होना चाहिए राजनीति में, ऐसे भाषाओं से बचना चाहिए। आज फिर जो सम्राट चौधरी हैं नीतीश कुमार पर बोले हैं, वो दिन भूल गए जिस समय लालू यादव उनको लाठी से पीट कर नीतीश को भगाए थे। आज हमारे नेता का सुबह का भाषण सुन लिए कि नहीं सुन लिए, उन्होंने क्या कहा? आज JP जी का, जयप्रकाश जी का जयंती है, वहाँ का फुटेज ले लीजिए, जिसको मंत्री बनाए, जिसको MLC बनाए, कभी ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उम्र में ही बहुत छोटे हैं सम्राट चौधरी जी, मैं उनको यही निवेदन करूँगा, ऐसे लोगों पर टिप्पणी करके अपनी वाणी को खराब नहीं करना चाहिए। सर, इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को प्रधान बनाने की मांग हो रही है, प्रधानमंत्री बनाने की मांग हो रही है, इस पर जदयू क्या कह रहे हैं? निश्चित तौर पर उनमें काबिलियत है, उन्होंने बिहार को सजाया है, संवारा है। आज हम बक्सर जाते थे, आरा आने में कितना टाइम लगता था, मैं तो सब जगह जाता हूँ, कैमूर सासाराम 4 घंटा 3.5 घंटे में पहुँच जाते हैं, बिजली रहता था क्या यहाँ, स्कूल का क्या हाल था? तो नीतीश कुमार जी ने काम किया है, उनके पास विजन है, इंजीनियर है, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? लेकिन वो कहते हैं कि हम नहीं बनेंगे।
लेकिन उनके पास सारा गुण है, सारा गुण है प्रधानमंत्री बनने का। आखिरी एक सवाल है सर, ठाकुर जिस ठाकुर को आप एकजुट करने की बात कर रहे हैं, उसी ठाकुर पे जो आपके राजद के जो राज्यसभा सांसद थे उन्होंने प्रहार किया और किया कि ठाकुर का धुआं और ठाकुर का धुआं। देखिए मैं बंदूक की गोली जो है एक बार चलता है वो गोली वापस नहीं, मैं और आप बाका का मीटिंग में मैं इसका जवाब दे दिया, आप लोगों को मालूम है बार बार जवाब दे के किसी को हीरो नहीं बनाना है। हम तो अपील कर दिए अभी अभी अपील कर दिए फाउंडेशन के कुछ सवाल है तो जवाब दीजिए। नहीं नहीं कोई बंदी नहीं, देखिए इसमें सभी समाज को लोग को रखे हैं, केवल क्षत्रिय समाज नहीं है और कास्ट के लड़की हम लोग अगर नेता अगर कहीं से चुनाव लड़ेंगे कल क्षत्रिय समाज के वोट से जीत जाएंगे, चाहे इतना मुखिया है कल राजपूत समाज से जीत जाएंगे, और कास्ट तो वोट देता है उनको भी शादी कराएंगे, निश्चिंत रहिए आप। सर बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं सॉरी अध्यक्ष गृह मंत्री उनका बार बार बिहार दौरा हो रहा है, आ रहे हैं मुझे सबका पार्टी अपना अपना किसी को रोक लगा दीजिएगा क्या, वो कहीं जा सकता है हमारे संविधान में लिखा है, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती आए जाए उससे कोई फायदा होने वाला है।